देश के उत्तरी इलाके में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड और कोहरे का कहर है। दिल्ली के आसपास घना कोहरा आया, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। दिल्ली एनसीआर में आज भी कम नहीं हुई सर्दी, शीतलहर की चपेट में देश की राजधानी, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। यूपी के गाजियाबाद में ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। 19 से 20 जनवरी तक को क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का ऐलान हुआ। यूपी के मेरठ में 19 और 20 जनवरी को भी बंद रहेंगे सभी स्कूल। 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश है, डीएम ने जारी किया है आदेश। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर आई है सामने। कमल के फूल पर विराजमान है रामलला। राम सेवकपुरम में भगवान राम की लीला दर्शाने वाली 500 से अधिक मूर्तियां तैयार। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा और 300 फीट ऊंचा दीपक बनकर तैयार किया गया। झारखंड के धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी 30 साल के बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। 22 जनवरी को मौन व्रत तोड़ेंगी। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। इंदौर के कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर की दौड़ तय करके अयोध्या पहुंचे। 14 दिन में इंदौर से अयोध्या की दौड़ पूरी करके यात्रा सफल की। कलकत्ता से अयोध्या जा रहा क्रूज बलिया की रेत में फंसा। सरयू में फंसे जलयान को निकालने की कोशिश जारी है। राम जन्मभूमि मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए जा रहे टायर किलर बूम बैरियर, टायर किलर सुरक्षा कवच का हिस्सा। 16 जनवरी से राम मंदिर में शुरू हुई पूजा विधि जारी। आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। राम मंदिर गर्भगृह में लकड़ी और कपड़े से बनाया जा रहा है शिखर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को दिया जाएगा पूर्ण स्वरूप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। 250 क्विंटल वजन के लड्डू किए गए तैयार। महाराष्ट्र से सीएम शिंदे की शिवसेना की ओर से भेजा गया 5100 किलो का शुद्ध घी। प्रयागराज में कलाकारों ने गंगा नदी के तट पर बनाई भगवान राम की कलाकृति। गंगा तट पर बालू से राम मंदिर को तैयार किया गया। राजस्थान के अजमेर में श्री राम मंदिर और भगवान राम की अंडर वाटर पेंटिंग बनाने की तैयारी है। चित्रकूट से प्रतापगढ़ पहुंची श्री राम की चरण पादुका, भारी सुरक्षा के बीच मुख्यालय पहुंची। अयोध्या में रामघाट स्टेशन के पास हो रहा रामलीला का मंचन, राजा दशरथ की भूमिका में रजा मुराद दिखाई दी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेज हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य, 22 जनवरी से पहले दिन रात चल रहा है काम। बरेली के किन्नर समाज का ऐलान, 22 जनवरी को जन्मे बच्चों के लिए बधाई गाएंगे, नेक भी नहीं लेंगे। गाजे बाजे के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुई प्रयागराज से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी। अयोध्या में सरयू तट पर नेपाली बाबा कर रहे श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन। अनुष्ठान के लिए बनाई गई 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी। अयोध्या की सड़कों पर लगे भगवान राम और पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स। अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी ने किया अन्न जल का त्याग, पिछले 8 दिन से नहीं ग्रहण किया है अन्न। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम रोम में राम पुस्तक का विमोचन किया। राम मंदिर के श्रम वीरों से बातचीत, श्रमिकों ने कहा जहां लोग आने के लिए तरस रहे वहां काम करना सौभाग्य की बात। अयोध्या में नाव पर एबीपी न्यूज का संगीतमय कार्यक्रम देखने को मिला, गायिका माधवी मधुकर ने शानदार प्रस्तुति दी। 22 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारी, अयोध्या में एबीपी न्यूज के मंच पर शास्त्रीय संगीत साधक संत मानस दास की प्रस्तुति हुई। होटल व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में ऑर्डर किए राम मंदिर के मॉडल, मेहमानों को गिफ्ट किया जाएगा। श्री रामलला के गर्भगृह की एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। मंदिर परिसर के अंदर बने यज्ञ कुंड, लगातार हो रहा पूजन अर्चन। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला से कनेक्शन की आशंका है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पुलिस ने एक बम स्क्वाड ने मेटल डिटेक्टर से निगरानी की।
प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु के बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे। चेन्नई में शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। मेघालय और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में उत्तरी पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होंगे। बीआर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे सीएम जगन मोहन रेड्डी। आज उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।